मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं शामिल हुए तब से लेके आज तक मुलायम सिंह जी से, जिनको बाद में लोग नेताजी के रूप में अधिक जानते रहे हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। चौधरी साहब के तिरोधान के बाद तो फिर वो लोहिया समाजवादी विचारधारा के सबसे सशक्त आवाज के रूप में देश में जाने जाते रहे, और ख़ास तौर पर उत्तरी भारत की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वो राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी भी थे, मित्रों के मित्र भी थे, और प्रतिस्पर्धियों से दोनों प्रकार का नाता रखने में सिद्धहस्त थे। वो उनसे मित्रता भी रखते थे और मौका आने पर उनके साथ दो दो हाथ भी कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो कांग्रेस के बहुत प्रमुख विरोधी के रूप में उत्तर प्रदेश में और संसद में प्रमुख आवाज, सशक्त आवाज के रूप में, और कम से कम वो एक ऐसी आवाज थे जो किसानों की, मजदूरों की और पिछड़े लोगों के लिए हिम्मत के साथ खड़े होने का एक ऐसा नेतृत्व तो प्रदान करते थे कि जिस पर लोगों को भरोसा भी था। उनके जाने से एक रिक्तता हुई है, उस प्रकार का संघर्षशील नेतृत्व अब देखने में मिलता नहीं है। और जैसा मैं कहता हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी जो कुछ मूल्यों के लिए, नीतियों के लिए, कुछ संघर्षों के लिए जानी जाती थी, वो अब हमारे बीच से चली गई है। नेताजी, जिनको मैं तो हमेशा मुलायम सिंह जी के नाम से ही पुकारता रहा हूँ, वो एक ऐसी आवाज़ थे जो अब शायद सुनने को नहीं मिलेगी। समाज में अभी भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है।